हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश प्रोज, इसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पार्ट 3। पार्ट सेकंड और फर्स्ट हम इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, डिड लेंचो शो एनी सरप्राइज? क्या लेंचो ने कोई आश्चर्य दिखाया, यानी जब उसे पैसा मिलता है तो वो कोई आश्चर्य दिखाता है, क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर देखते हैं, नो लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, लेंचो ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री, यानी लेंचो क्रोधित क्यों हो गया। इसका आंसर है, लेंचो गॉट एंग्री बिकॉज व्हेन ही काउंटेड द मनी ही गॉट लेस मनी, क्योंकि वह नाराज हो गया क्योंकि उसने जितना मांगा था उससे कम धन मिला था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाई डिड लेंचो गो टू द विंडो, यानी लेंचो खिड़की के पास क्यों गया। इसका आंसर है, लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड लिंक, यानी लेंचो खिड़की के पास कागज और स्याही मांगने के लिए गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ लेंचो व्हाइल राइटिंग द लेटर, यानी जब लेंचो पत्र लिख रहा था तो उसका भाव कैसा था। तो इसका आंसर देखते हैं, लेंचो स्टार्टेड टू राइट द लेटर विथ मच रिंकल्स ऑफ हिज ब्रो यूज्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, यानी लेंचो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयास से अपनी भावों को सिकुड़ते हुए पत्र लिखना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट प्रोमिस ए गुड हार्वेस्ट, यानी अच्छी फसल क्या सच्चाई थी, यानी अच्छे फसल की सच्चाई क्या थी। इसका आंसर है, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न लैडन विथ फ्लावर्स प्रोमिस ए गुड हार्वेस्ट फॉर लेंचो, यानी फूलों से लदी पक्के मकई के खेत ने लेंचो के लिए अच्छी फसल का वादा किया। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रैन कम ट्रू, यानी वर्षा के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी कैसे सच साबित हुई। इसका आंसर है, लेंचो लुक्ड टू द नॉर्थ ईस्ट एंड रिमार्क्ड दैट ही माइट फाइंड सम वाटर, हिज प्रेडिक्शन कम ट्रू व्हेन रैन ड्रॉप स्टार्टेड फॉलिंग इन द इवनिंग, यानी लेंचो उत्तर पूर्व की ओर देखा और टिप्पणी किया कि उसे कुछ पानी मिल सकता है, उसकी भविष्यवाणी तब सच हुई जब शाम को बारिश की बूंदें गिरने लगी। क्वेश्चन नंबर सेवन है, व्हाई वाज द लेंचोज सॉल फिल्ड विथ सॉरो, यानी लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। इसका आंसर है, लेंचोज सॉल वाज फिल्ड विथ सॉरो बिकॉज हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड फ्रॉम हेल स्टॉर्म्स, द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी लेंचो की आत्मा दुखी से भर गई क्योंकि ओलावृष्टि से उसकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी थी और फूल पौधों से जा चुके थे। क्वेश्चन नंबर एट है, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, यानी पोस्टमास्टर ने लेंचो के पहले पत्र जो भगवान के नाम पर लिखा गया था उसका जवाब क्यों दिया। तो इसका आंसर है, द पोस्टमैन रिप्लाइज टू लेंचोज फर्स्ट लेटर बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू ऑथर्स फेथ इन गॉड टू बी सेकेंड एंड द कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ सैलरी, ही पुट द मनी इन द लेटर विथ द सिग्नेचर ऑफ गॉड। इसका हिंदी में आंसर देख लेते हैं, डाकिया लेंचो के पहले पत्र का जवाब देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि लेखक का ईश्वर में विश्वास खेल जाए। उसने अपने कर्मचारियों से पैसा इकट्ठा किया और खुद का वेतन का एक हिस्सा दिया। उसने पत्र में भगवान के हस्ताक्षर के साथ पैसे डाल दिए।
इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, यानी लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई। इसका आंसर है ए किंग ए काइंड एंड जेनरस पोस्टमैन रीड लेंचोज लेटर एड्रेस टू गॉड टू कीप हिज फेथ इन गॉड। द पोस्टमास्टर रेज्ड मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स एंड सेंट इट टू लेंचो विद द सिग्नेचर ऑफ गॉड। दस लेंचो वॉज हेल्प्ड, यानी एक दयालु और उदार डाकिए ने भगवान को संबोधित लेंचो के पत्र को पढ़ा। भगवान में उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर ने अपने दोस्तों और सहयोगियों से पैसे जुटाए और भगवान के हस्ताक्षर के साथ लेंचो को भेज दिया। इस प्रकार लेंचो की सहायता की गई। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी लेंचो को जब पत्र मिला तो वो क्रोधित क्यों हो गया। इसका आंसर देखते हैं। लेंचो वॉज एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर बिकॉज ही हैड रिसीव्ड लेस मनी विद द लेटर। यानी लेंचो को पत्र मिलने पर उस गुस्सा हो गया क्योंकि उसे कम पैसे मिले थे।